हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 10th दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आईटीसी में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन आईटीसी में हमें 4.65% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 235.40 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो अपसाइड मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वन डे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा हमें जो आज के दिन वॉल्यूम देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो बनी है बहुत ही बड़ी। जरूर यहाँ पे 20 MA 50 MA के ऊपर जो आज के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम बात करें आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे 57-58 के आसपास जो घूम रहा है जो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नेगेटिव का इशारा देता है। लेकिन याद रखे आरएसआई हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उससे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली ये स्टॉक जो है मेरे लिए अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव हमारे लिए स्टॉक अभी भी इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक जो है अब 20 MA और इसका 50 MA जो है यहाँ पे अभी भी जो है नीचे चल रहा है। 50 MA यहाँ पे ऊपर चल रहा है 20 MA के, जो यहाँ पे अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड का जो इशारा देता है, मतलब नेगेटिव का जो है यहाँ पे इशारा देता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्टॉक ने जो है 20 MA क्रॉस किया 50 MA को, वैसे यहाँ पे आपको जो एक पॉजिटिव मोमेंट जरूर देखने मिल सकता है। लेकिन करंटली ये स्टॉक जो हमारे लिए अभी भी नेगेटिव है। टेम्पररी यहाँ पे अभी भी आपको जो है पॉजिटिव मोमेंट देखने मिल सकता है लेकिन परमानेंट नहीं रहने वाला है, मतलब आपको दोबारा से डाउनसाइड स्टॉक में देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियसली काम करें, यहाँ पे इस ट्रैप में ना फंसे। हमें पता है आईटीसी बहुत, मतलब महीनों से, मैं कहूँ तो यहाँ पे दिन भी नहीं मैं महीने कहूंगा, यहाँ पे बहुत महीनों से जो है एक ही यहाँ पे कंसोलिडेटेड एरिया में घूम रहा है और यहाँ पे बीच में बस थोड़ा ही यहाँ पे आप देख सकते हैं अपसाइड मोमेंट है, फिर वापस यहाँ पे नीचे आ गया। तो अभी भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे सिचुएशन हमें जो है देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से हमने अभी आपको कहा कि क्यों हम जो है इस स्टॉक में अभी भी नेगेटिव है, तो चलिए कल इस स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला उसके लिए हम जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन स्टॉक में क्या बनते हैं उसको आपको मार्क करके यहाँ पे बता देते हैं। तो याद रखें ये जो मार्किंग जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जरूर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं अपने चार्ट में क्योंकि आपको ये हेल्प करेगी अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को जो है डिसाइड करने में। तो यहाँ पे आप जो जरूर मार्किंग कर ले। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुके, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है उसको मार्क कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा डेटा हो अपना यहाँ पे ट्रेड को जो है सक्सेसफुल करने में। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 236.00 पे यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पे आसपास ही हुई है, मैं कहूंगा 236.10 का यहाँ पे हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन था और 236 पे एग्जैक्ट यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट की बात करें तो 232.75 का यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सपोर्ट बनता है। बाकी याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बीच में कल के दिन आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना यहाँ पे टारगेट चाहे सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो
आपको हमेशा थोड़ा सा पहले रखना है, डिफरेंस में रखना है, ताकि आपका टारगेट जो इजीली अचीव हो जाए। बाकी हमने पूरा डिटेल में बात किया हमारे 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 पुराने वीडियोस में, जहां पे हमने कहा है आपको किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आपको यहाँ पे टारगेट डिसाइड करना है, डिफरेंस किस तरह से यहाँ पे रखना है और क्यों रखना है, सारी की सारी बात हमने वहां पे कही है, जहां पे हमने आपको समझाया भी है कि चाहे हमारा स्टॉक जो है वो नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आपको किस तरह से प्रॉफिट करना है वहां हमने वहां पे वो भी समझाया। तो जरूर हमारे पुराने वीडियोस को देखें जो आपको 8 मिनट के ऊपर यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। कोई भी स्टॉक का वीडियो आप देख ले ताकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाकी यहाँ पे हम आप सभी के लिए वापस से दोबारा जो है वीडियो लाते हैं, जब भी हमें किसी भी स्टॉक में जो अच्छा यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस देखने मिले, कोई बड़ा यहाँ पे मोमेंट जो देखने मिले तभी। अब बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद दो सपोर्ट के, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद दो रेजिस्टेंस जोन की। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद दो अगला सपोर्ट आता है 230.85 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 228.95 का। बात करूंगा डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद दो रेजिस्टेंस जोन की, तो 239.10 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद अगला रेजिस्टेंस जोन आता है, और उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन आता है 240.75 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन जो है वो बताया, जो कल के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, तो जरूर उसको कंसीडर करते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए, तो कल यहाँ पे मैं कहूंगा आपको कल इस स्टॉक में जरूर एक नेगेटिव जो है यहाँ पे मोमेंट जो देखने मिलने वाला है। क्लोजिंग जो है यहाँ पे मैं कहूंगा आपको इसी बीच में देखने मिलने वाली है, मतलब नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में आपको जो क्लोजिंग देखने मिल सकती है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आपको दिन में जो है बीच में आपको जो है स्टॉक और नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन क्लोजिंग जो है इस बीच आपको देखने मिल सकती है। यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।